आगरा के कोटी मीना बाजार मैदान पर 26 और 27 मार्च को चेटीचंड महोत्सव के तहत आयोजित होने जा रहे दो दिवसीय मेले का समाज के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आमंत्रण रथ यात्रा का शुभारंभ सोमनाथ धाम के मठाधीश पीर डॉक्टर शंकरनाथ योगी ने हरी झंडी दिखाकर किया। आमंत्रण रथ मेला प्रारंभ होने तक प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लोगों को न्योता दिया जाएगा। मेला कमेटी के सर्व व्यवस्था प्रमुख हेमंत भोजवानी, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश धर्मानी और सह व्यवस्था प्रमुख सुनील करमचंदानी ने बताया कि रथ यात्रा 21 से 25 मार्च तक सागंज, आनंदपुरम, मारुति स्टेट, विनय नगर, अवधपुरी, बोदला, जयपुर हाउस, शास्त्रीपुरम, गटिया आजामखां, दयालबाग, कमला नगर, ट्रांसोमना कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, काला महल, ताजगंज, शहीद नगर, नामनीर, सदर बाजार, खेरिया मोड़, खंदारी चौराहा, संजय पैलेस, भगवान टॉकी चौराहा का भ्रमण करेगा। इस दौरान शहरवासियों को भगवान झूलेलाल के भजनों के साथ प्रचार पत्र बांटकर आमंत्रण दिया जाएगा। मेले का शुभारंभ 26 मार्च को शाम 5 बजे होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूले और व्यंजनों का लोग लुत्फ उठा सकेंगे। हमारे श्री झूलेलाल इष्ट देवता, जो कि सिंधी समाज के पूरे इष्ट देवता है, उनकी भव्य शोभा यात्रा अभी निकाली गई थी और आज उनके लिए एक रथ निकाला जा रहा है, जो कि सागर के मुख्य बाजार से होता था। ये श्रीलीला गौशाला में समापन होगा। मेले का इसी में ही 26 तारीख को, 27 तारीख को भव्य आयोजन मेला किया गया है, जो कि कोटी मीना बाजार में हो रहा है। आज यहाँ से एक आमंत्रित रथ का, जो यहाँ से श्री गणेश गुरुजी द्वारा रथ हरी झंडी दिखा के किया गया कृष्ण वाटिका से, जय झूलेलाल मेला समिति द्वारा जो आयोजन 26 और 27 को अंतर्राष्ट्रीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग हर जगह आगरा के कोने कोने में जाके निमंत्रण देंगे और मेले के लिए आह्वान करेंगे। और जो सिंधियत का कल्चर है वो 26 और 27 मार्च को जो होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इसमें दिखाया जाएगा। हम सभी को इसी माध्यम से आज निमंत्रण देने के लिए निकले। हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले भगवान इष्ट देव झूलेलाल जी का ये बड़ा अच्छा एक ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है 26-27 मार्च को कोटी मीना बाजार चित्रकूट धाम पर, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला। उसकी तैयारियां लगभग संपूर्ण हो चुकी हैं, अंतिम पड़ाव पर है। आज एक आमंत्रण रथ हम निकाल रहे हैं, शहर की जनता को इस रथ एक संदेश जाएगा कि हम भगवान झूलेलाल जी के मेले में जाएँ, जहाँ हमको सारे देवलोक देखने को मिलेंगे, जहाँ हमको वैष्णो देवी गुफाएँ देखने को मिलेंगी, जहाँ हमको अपने समाज के जो वेशभूषा है, हमारे समाज का जो खान पान है, जहाँ हमारे संत नगरी है, संत दर्शन होंगे वहाँ। तो इस प्रकार के बच्चों के मनोरंजन के लिए भी हमने झूले वगैरह रखे हैं, स्टॉल रखे हैं। तो आज हम सब महिलाएं यहाँ पर हमारी जय झूलेलाल कमेटी की तरफ से एक जो आयोजन कर रहे हैं विशाल मेले का, जो तृतीय स्तर पर किया जा रहा है, उसके लिए आज हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, जिसमें कि हम सब लेडीज जो मिलकर एक कार्यक्रम का विमोचन कर रहे हैं, उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। और इसके लिए हम सारे सिंधी समाज को और हमारे अन्य समाज को भी ये प्रेरणा देने के लिए आगे आए हैं, ताकि वो हमारे साथ जुड़ें और हमारे इस कार्यक्रम को सपोर्ट करें। आप सबका स्वागत है इस विशाल मेले में, आप सब आइए और हमें आगे बढ़ावा दीजिए। यहाँ पर हम लोग जय झूलेलाल मेला आयोजन कमेटी के बैनर पे एक तीसरा विशाल मेला लगाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे आगरा के सिंधी समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपने सिंधियत का एक समाज को संदेश देते हैं और आपसी प्रेम एकता का संदेश देते हैं। 26 और 27 मार्च को हम मीना बाजार में जो मेला लग रहा है, 26 तारीख को हम शहीद हेमू कालानी के लिए एक कार्यक्रम रख रहे हैं, उनको उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। और 27 तारीख को हमारे एक फेमस सिंगर हैं जतिन उदासी, जो कि अपनी आवाज़ से हम सबको मनोरंजन करेंगे।